आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए मैं सबसे पहले रेसिपी बनाने से पहले मैं इसके गुणों के बारे में बात कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी आपको लंबी लगेगी तो माफ़ कीजिएगा, पर मैं इसके गुण बताना चाहती हूँ, तभी आपको पता लगेगा कि जो ये रेसिपी है कितनी फ़ायदेमंद है। देखिए, अगर आपके कब्ज़ रहती है, कब्ज़ की शिकायत है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दिमाग की कोई भी कमजोरी है, दिमाग की नसें कमज़ोर हैं, ब्रेन की नसें कमज़ोर हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आपको कैल्शियम की कमी है, जैसे हड्डियों की कमज़ोरी है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां आपकी कमज़ोर हैं, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। और दिमाग के लिए तो बहुत ही कारगर है, दिमाग की कमज़ोरी के लिए तो अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है बरसों से दिमागी संतुलन को ये बैलेंस में रखता है। और किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसमें डाइट्री फाइबर होने की वजह से ये हृदय के लिए भी, हमारे दिल के लिए भी बहुत ही कारगर है। इतने सारे गुण हैं, अगर मैं इसके गुण बताती रहूं तो वीडियो कभी ख़त्म ही ना हो। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है, मैं संतोष चौहान। इसीलिए मैंने पहले आपको इसके गुण बता दिए कि बीच में फिर हम रेसिपी बनाएंगे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो गुण अगर आपको पता होंगे तो आपको रेसिपी बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने लेना है एक गिलास दूध। तो दूध अगर गाय का हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, गाय का दूध लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें हम डालेंगे 4 बादाम, 4 डालेंगे इसमें काजू, और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें डालना है खसखस यानी पॉपी सीड। ये बड़ों के लिए बता रही हूँ, बच्चों के लिए बनाए तो आधा कर लेना। 1 छोटा चम्मच खरबूजे या तरबूज के बीज ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, मैंने तरबूज के लिए हैं। अब इसको ढक करके आपने 10 घंटे के लिए रखना है। तो सुबह आप इसको भिगो देना और इसको रात को बनाना, क्योंकि इसका जो सेवन है वो रात को ही किया जाएगा खाना खाने के बाद। तो देखिए, ये 8-10 घंटे हो चुके हैं, अच्छी तरह से भीग चुका है। अब छन्नी से मैं छान लेती हूँ, दूध अलग कर देंगे और काजू बादाम जो खसखस वगैरह है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको अभी पीसना है। तो अब जो हमने अलग किया है इसको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे, दूध डालकर जितना बारीक आप पीस सकते हैं उतना बारीक आप पीस लेना। दूध में ही भिगोना बहुत ज़रूरी है, इसमें मेन जो हमारी चीज़ है वो है खसखस। तो खसखस के ही इतने सारे गुण हैं, बाकी इसमें जो बीज डाले हैं वो ऑप्शनल हैं, उनको स्किप कर सकते हैं। काजू बादाम ज़रूर डालेगा, पर मेन जो फंक्शन है इसका ये है खसखस का। तो खसखस के ही मैंने इतने सारे आपको फ़ायदे बताए हैं वीडियो के शुरुआत में। तो हमने देखिए इसको अच्छी तरह से पीस लिया है, ये देखिए जितना बारीक आप पीस सकते हैं, क्योंकि खसखस 10 घंटे दूध में भिगी ही होनी चाहिए इस रेसिपी के लिए, जो हम दिमाग के लिए और सारी जो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है सभी चीज़ों के फायदे के लिए इसका दूध में भिगोना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे। तो जैसे जैसे आप पकाएंगे वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। तो फ्लेम को आप लो ही रखिएगा, हाँ, और ध्यान रखिएगा कि दूध अगर गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और भैंस का दूध लेते हैं तो मलाई वगैरह निकाल देना। ये देखिए, इसको मैंने 2-3 मिनट पकाया है और ये गाढ़ा हो गया है। अब जो हमारा बाकी बचा हुआ दूध था, जो हमने छान के रखा था, 1 गिलास दूध में हमने भिगोया था, तो वो दूध भी हमने इसमें डाल दिया। और अब मैं मिठास के लिए इसमें डाल रही हूँ धागा मिश्री। चीनी वगैरह मत डालना, क्योंकि देखिए हम एक दवाई बना रहे हैं, दवाई की तरह ये काम करेगी तो चीनी नुकसान करेगी, इसलिए चीनी मत डालना। हाँ, खांड डाल सकते हैं आप, और हल्का ठंडा हो जाए तो गुड़ भी मिला सकते हैं। तो 1 उबाल आने के बाद बस हम गैस को कर देंगे बंद, और हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है। अब देखिए लेना कैसे है, आपने रात को ही इसको लेना है, जब रात का खाना खा लेंगे तो खाने के 1 घंटे बाद।
नियमित एक महीना आप ले सकते हैं और उसके बाद अगर आप लेते हैं तो आपको 15 दिन का गैप करना होगा, फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मात्रा ये बड़ों की है, छोटों को देना हो तो आधा कर सकते हैं। हाँ, 15 साल से ऊपर के बच्चों को ही देना, ज़्यादा छोटे बच्चों को देने की तो क्या ज़रूरत है, बच्चों का दिमाग वैसे ही तेज होता है। पर हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वीकनेस आती जाती है, तो उसके लिए मैंने ये रेसिपी बताई है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, वो इस रेसिपी का इस्तेमाल ना करें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।